फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। तिहाड़ जेल में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मृतक गीता कॉलोनी के रानी गार्डन का रहने वाला था। आप देख सकते हैं कि गीता कॉलोनी के रानी गार्डन में हमने मंगलवार की रात पीड़ित परिवार वालों से मिले तो उनका कहना था कि मंगलवार की सुबह तिहाड़ जेल से फ़ोन आता है कि आपका बेटा काफ़ी सीरियस है और हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसके बाद मृतक के परिवार वाले DDU हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटे की मौत हो गई है। जिसके बाद पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि 25 जुलाई को बेटा तिहाड़ जेल में बंद हुआ था और मंगलवार की सुबह यानी कि 6 सितंबर की सुबह कॉल आती है तिहाड़ जेल से कि आपके बेटे की काफ़ी तबीयत खराब है, काफ़ी सीरियस है, और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। वहीं पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए और उनके बेटे को जबरन फंसाया था और उसे जेल में डाला था और अब उसकी मौत हो गई है। मृतक का नाम अनीस है, जिसकी उम्र 19 वर्षीय, जो कि तिहाड़ जेल में बंद था 25 जुलाई 2022 से, जिसकी अब मौत हो चुकी है। सुने आप पीड़ित परिवार वालों की बाइट। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल जी, क्या हुआ, कैसे बंद हुआ था और किस मसले में आज आपके बेटे की पता लगा? ये ऐसा हुआ था कि दोनों में मोहब्बत हो गया था, अनीस में और प्रिंस में, और मोहब्बत में इनकी छोड़ा, मतलब जो है कि इनको छोड़ा दिया गया गली रोड वालों ने, गली मोहल्ले वालों ने। और प्रिंस अपने एक दोस्त को बुला के लाया, उसका नाम है अजनान नाम का व्यक्ति है, उस पर कई संदिग्ध मुकदमे। हाँ, उसने, और वो मुजरिम का काम करता है। उसने किसी के दबाव में आके उसने अपने ब्लेड मारा और किसी उसको किसी ने कहा ये बात कि ब्लेड मार ले उसको किसी ने कहा। ये 25/7 को बंद हुए थे, 25/7/2022 को। अच्छा। और उसको किसी ने सपोर्ट किया कि ब्लेड मार ले तू और इनको तीनों चारों को बंद करवा देंगे। मामला क्या दर्ज किया गया था? मामला उसकी तरफ से ये दर्ज किया गया था कि इन्होंने, तीनों भाइयों ने हम दोनों को मिलके मारा है। अच्छा। हमको ब्लेड मारा है। 307 का मुकदमा लगाया था, 307/34 ये मुकदमा लगाया था, जिससे कि हमने काफ़ी IO सर से भी पूछा। आज आपको ये पता लगा, कब पता लगा कि आपके भाई की डेथ हो गई? आज ही पता चला है और हो सकता है डेथ उसकी कल ही हो गई हो। अच्छा। इन्होंने हमें लास्ट टाइम पे बताई है और इन्होंने कहा है कि क्या नाम है, इमरजेंसी हॉस्पिटल में पड़ा है, लेकिन इसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। बॉडी को देखा है और बॉडी में नीले कलर के निशान है, उसको या तो किसी ने पीछे से मारा है, कोई ऐसा मारा है कि वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। तो वहाँ के प्रशासन से आपसे बात हुई आपकी? केस प्रशासन से बात हुई है, वहाँ के पुलिस वालों से बात हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारा, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आज उनको 40-42 दिन हो गए उनको गए हुए बेकसूर, और आज तक किसी ने नहीं सुनी हमारी। और ये बात हम ये चाहते हैं कि मेरे दो भाई और बेगुनाह बंद पड़े हैं जेल में बेकसूर, उनको रिहा कर दिया जाए, और ये जो मेरे भाई एक की डेथ हो गई है इसको इंसाफ मिला जाए। और जिन्होंने ये ब्लेड मारे गए हैं, जिन्होंने लगवाए किसी के थ्रू, जिसके भी थ्रू, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और यहाँ का जो माहौल है इधर से पूछताछ होनी चाहिए किस तरह से ये मसला हुआ है, किस तरह से इन्होंने मारा है। घर में कौन कौन है आपके? घर में मम्मी पापा, हम 5 भाई थे, जिसमें से 3 भाइयों को बेकसूर झूठा आरोप लगा के इन्होंने बंद कराया। काम करते थे कुछ ये लोग? काम करते थे, एक काम करता था फील्ड का काम करता था आरिफ, नसीम सिलाई का काम करता था, और अनीस का काम अभी छूट गया था, वो हेल्परिंग करता था करोल बाग में, तो उससे बहुत ज़्यादा मेहनत छोड़ दिया था। क्या नाम है आपका? गुल हसन जी, क्या चाहते हैं बाबा आपको बच्चे के लिए? बच्चे के लिए ये है कि जी हमें पूरा इंसाफ मिलना चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि भाई इसकी वारदात हुई कैसे। दूसरी बात ये कि हमारे पास खबर इन्होंने झूठी क्यों करी कि भाई लड़का आपका सीरियस है, जबकि ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी थी, और हमारे को अभी तक ये नहीं बताया गया है वो जेल में मरा या हॉस्पिटल में मरा।